कल जैसे छोड़े थे मैं वैसी हूँ। मतलब मलाइका के वापस। मलाइका तो लोग को इतना हिट हो गया है हर जगह, आजकल हर कोई हमारी तरह ही चलने लग गया राखी जी। यहाँ पे राखी जी कर राखी जी का फोन राखी जी राखी जी राखी जी राखी जी राखी जी इधर 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 राखी जी ये डबल कैमरे में देखो जरा। मैं कह सकता है मेरा रोजा है लेकिन मैं रहा है चक्कर आ रहा है मुझे अभी अभी टाइम हो रहा है अभी टाइम है ना 10 मिनट है अभी मैं लाइव थी ना दिल्ली मसाला में। हाँ हाँ नमाज पढ़ के ना मैं थोड़ा सा पीछे हो जाऊँ राखी जी इधर इधर। तो आप लोगों को किसी को पता है कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है? नहीं आप बता दो कैसे पढ़ते हैं क्योंकि आप पढ़ते हैं। नमाज पढ़ी जाती है 7 हड्डियों से। पूछो कैसे? कैसे पैर की 2 हड्डी, ये 2 फीट ठीक है, 2 घुटने, 2 पंजे और 1 सर। तो 2, 2, 4, 2, 6, 7 एक्चुअली नोज भी टच होना चाहिए लेकिन वो नोज थोड़ा क्या मेरा थोड़ा सर्जरी हुआ है तो मैं गिर गई थी ना तो इस हिसाब से ये टच होता है कभी। एम आई राइट? राइट राइट मैं यहाँ पे सही बोल रही हूँ मैं? वाह मेरा आईक्यू लेवल देखो क्या वाओ सीख रहे हैं आप सीख रहे हैं। मेरा आईक्यू लेवल बहुत नंबर 1 हो गया आजकल। मैं रोज सीखती हूँ नमस्कार कैसे पढ़नी चाहिए। देखो मुझे हम लोग को मालूम ही नहीं कि 7 हड्डियों से होती है। पहले मैं सोचा 7 हड्डियों से कैसे भैया, मुझे लगा 7 हड्डी रखनी पड़ेगी पहले ऐसे लगा, बाद में पता चला ऐसे। राखी आप अपने मर्जी से इस्लाम कबूल किया जी? आपने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया? हमारे हस्बैंड ने करवाया है, हमारे उन्होंने करवाया तो हम फॉलो कर रहे हैं क्योंकि वो छोड़ नहीं सकते ना। तो बात मर्जी हो या ना हो खुदा तो एक ही है यू नो। तो जब मैं पैदा हिंदू हुई और मेरी माँ बाद में क्रिश्चियनिटी में आई, मॉम के साथ साथ मैं आई, मैंने शादी एक मुस्लिम लड़के से करी तो उन्होंने मुझे इस्लाम कबूल करवाया। तो उसमें जब आप इस्लाम कबूल करते हो तो आपके और आपके खुदा के बीच में होता है। हाँ वो अभी हमारी ज़िंदगी में है नहीं बट हम इसको जारी रख लेंगे और हमें सुकून मिलता है। और हमारे पीछे अभी आना नहीं, हमारी वॉक के पीछे पूरे दुनिया भर में गूंज रही है हमारी वॉक। दुर्गेश पकड़ मेरे को जाना है रोजा। क्या करना क्या है, रोजा तो मेरा भी है हो गया ना अभी और क्या जान लोगी। कुछ आपने इन्फॉर्मेशन हमें आज बताइए जिस तरह आपके काफी लोग काफी कुछ बातें करते हैं बट जो आपसे प्यार कर रहे हैं उसके बारे में मैं जानना चाहूंगा। ये जितने लोग आपको बैक करते हैं प्यार कर रहे हैं उन लोगों की देखिए हमारी जनता है ना अलग अलग, जैसे 5 उंगलियां सेम नहीं होती ना तो वैसे अलग अलग बटी हुई है। बहुत कोई बहुत प्यार करती है, कोई बहुत प्यार करती है, कोई बहुत बहुत से ज्यादा प्यार करती है, कोई तो इतना प्यार करती है कि आपको गले देती है। उमरा की काफी सारी तस्वीरें उमर और अली गुनी की बाहर आए हैं, आप कुछ बताना? हाँ मेरा दिल बहुत दर्द हो रहा है, मेरा उमरा जाना बहुत दिल दुख रहा है और मुझे नहीं जाने मिल रहा है क्योंकि मैं हिंदू बैकग्राउंड से हूँ और मेरा सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है और मैंने तो
कलमा पढ़ ली हूँ, मैं फातिमा नाम है मेरा, मैं अपने आप को मुस्लिम ही समझती हूँ, मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, मैं रोज़े रखती हूँ, फिर भी मुझे आयरन। क्या आपकी बातचीत हुई उमर या अली गोनी से? नहीं, इस बारे में उमर से तो मेरी आज उमर आसिम रिया मेरे दो अली से मेरी बात हुई बस। क्या 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 बातचीत हुई? क्या दुआ में याद रखना। और मैं सबको वही जो जो जाते हैं ना एयरपोर्ट पे भी लोगों को देखती हूँ ना, जो लोग हजारे पकड़ पकड़ के कहते मुझे दुआ में याद रखना। राखी जी, कल एक बड़ा कमेंट आया था प्रियंका से, जिस तरह उन्होंने बॉलीवुड को लेफ्ट आउट किया। एक और कमेंट आया कि करण जौहर ने उनको काफ़ी सारी मूवीज़ पे बैन किया क्योंकि वो शाहरुख खान के फ्रेंड है, उस पर आपका क्या कमेंट है? प्रियंका ने कहा है क्या कहा कि मतलब उन्होंने बॉलीवुड इसके लिए छोड़ा, और उसके बाद एक बड़ी एक्ट्रेस का कमेंट आया है कि उन शाहरुख तो सब लोग अभी क्यों बोल रहे हैं, पहले क्यों नहीं बोल रहे? आपका क्या कहना है ये जो नेपोटिज्म चलती है बॉलीवुड को लेके, क्या आपने कभी फेस किया नेपोटिज्म? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल करण जौहर मेरे ब्रदर है, मुझे किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है, मेरे तो अपने खुद के वांदे हैं, है ना। आप मेरे को क्या पकड़ रहे हो? जो सच है वो है, मैं बॉलीवुड के खिलाफ बोल के इनके दुश्मन क्यों हूँ? और आप मेरे को जानबूझ के करण जौहर से क्यों लड़वाना चाहते हैं? वो मेरा भाई है। नहीं, आप तो प्रियंका चोपड़ा इतना लेट क्यों बोल रही है? पहले जब वो इतनी सारी फिल्में करती थी तब क्यों नहीं बोली है? फ्रेंकली स्पीकिंग, क्योंकि मैं किसी का साथ ना देकर न्यूट्रल बात करूंगी। आई लव प्रियंका, शी इज़ माई फ्रेंड, उनकी मॉम भी हमारी फ्रेंड है। तो उन्होंने जब इतनी सारी फिल्में करी, इतने अवार्ड लिए, पिंगा पिंगा गाना किए, इतने सारे फिल्म किए, तभी उन्होंने कुछ क्यों नहीं बोला? आज वो US में जाके बस गई है, अब क्यों ये बोल रही है? और बात किसी को क्यों बदनाम करना? yes. है ना, क्यों करना? जब आप, मुझे यही बात समझ में नहीं आती है। पहले भी लोग जिसको लॉकडाउन था तो एक महिला थी जिनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, शायद मैं उनके शो में जाऊँ, वो हमारी बैंड बजाए, पर हम उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे। वही महिला आप जिसका जिक्र करने की कोशिश कर, तुम चुप रहो जी। उन्होंने ये कमेंट किया है कि करण जौहर ने बैन किया उनको मूवी, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे दोस्त थे शाहरुख खान के। शाहरुख जी ने उनको कभी नहीं दोस्त माना था। किसकी बात कर रहे हो? प्रियंका। नहीं, प्रियंका तो शाहरुख खान की दोस्त है, मैं किसी और की बात कर रही हूँ, जो ये नहीं समझेगा। ये तुम अभी है ना, अभी उनकी बात, तुम अभी दूध पीते बच्चे हो बेटा। मैं भी उनकी बात कर रहा हूँ जिसका जिसके शो में आप काफी जल जाने वाले, उसकी। ओहो, तुम्हें पता है लॉकअप 2 की मैं बात कर रहा हूँ। आप, हमने तो सुनाई नहीं देता भाई, हमें को शाम को तो हमको कुछ सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, हमको सिर्फ इतनी सच्चाई है लॉकअप 2 में आपका नाम सबसे ऊपर। तो देखो, पहली बात ये है कि बॉलीवुड को कोई बदनाम ना करे। यहाँ पे ऐसे ही होता है कि आप आते हो, बर्फी मिठाइयाँ खा लेते हो, कुछ बन जाते हो, और जब आपको ऐसा लगता है कि बस अब ख़त्म हो गया, अब यहाँ पे कुछ होना नहीं है, तो फिर आप किसी पे भी कोई भी इल्ज़ाम लगाते हो। तो आई टेल यू, करण जौहर ऐसे है नहीं। अनफेयर हो जाता है क्योंकि करण जौहर को हमेशा टारगेट किया जाता है, करण जौहर को हमेशा टारगेट किया जाता है, ये अनफेयर। देखिए, प्रियंका भी आई लव हर अ लॉट, बट इनके आपस में क्या खिचड़ी पकड़ी है हमें नहीं पता, हमारी दाल नहीं पकड़ी है मालूम है। Yes. है ना, राय लेना जरूरी है क्योंकि मेरी राय, मेथी जीरा सब ले लो। आपकी राय काफी चल रही है। परिणीति चोपड़ा, वाह वाह वाह, राघव चड्ढा के साथ, राघव चड्ढा के साथ परिणीति चोपड़ा की शादी होने वाली है, आई एम सो हैप्पी। चलो, एक बहन तो रहेगी इंडिया में, दैट इज रियली नाइस। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू सो मच। टाइम होने आपका, रोजा खोलने का टाइम। चलो चलो।